सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं बनते हैं वो यहाँ हजारों वर्कर्स की मेहनत से, उनके कभी ना थकने वाला जुनून और एडवांस्ड ऑटोमेटिक मशीनों से। आज के एपिसोड में किसी भी टाइम भूख मिटाने वाली ब्रेड, जगमगाते एलईडी बल्ब्स, रिस्ट वॉचेस और खुशबू बिखेरते हुए हैंडमेड सोप्स। ये है द ग्रेट इंडियन फैक्ट्री। ब्रेड एक ऐसा शॉर्टकट फूड जिसे खाने के कई तरीके हैं। जब इजिप्शियंस ने ब्रेड बेक करना शुरू किया तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि 21st सेंचुरी इंडिया में लोग ब्रेड को इतने तरीकों से खाएंगे। ब्रेड मलाई के साथ लगा कर खाता हूँ, खीर के साथ खाना, बर्गर्स, सैंडविचेस होते हैं, पाव भाजी भी बनते हैं ब्रेड से ही, चाय में डूबो के खा लेता हूँ। क्या बात है, ब्रेड को इतने क्रिएटिव ढंग से आप खा तो लेते हैं, पर क्या आपको कोई आइडिया है कि ये बनाई कैसे जाती है? ब्रेड आटे से बन सकती है और मैदा से बनती है, सूजी से, मैदे का और मकई के आटे वगैरह से भी। कोई बात नहीं, हम आपको दिखाते हैं जिन नरम ब्रेड से टेस्टी सैंडविचेस बनते हैं वो खुद कैसे बनती हैं। यहां बनने वाली ब्रेड का मेन इंग्रेडिएंट है वीट फ्लावर, जिसे छानने के लिए एक सिफ्टर में पोर किया जाता है। छाना हुआ वीट फ्लावर ऑटोमेटिकली एक टनल से बेकिंग एरिया तक जाता है। इस वेइंग सिस्टम से मेजर्ड क्वांटिटी में वीट फ्लावर और डिस्टिल्ड आरओ वाटर सीधे मिक्सिंग बोल में गिरता है। इसी मिक्सिंग बोल में दूसरे इंग्रेडिएंट्स जैसे शुगर, सॉल्ट, सोया फ्लावर और यीस्ट भी डालते हैं। यीस्ट यानी कि खमीर, जिससे डो में फर्मेंटेशन होगी। इसी से हमारी ब्रेड सॉफ्ट और फ्लफी बनती है। इस सब के अलावा इस मिक्सचर में जाती है आइस। जी हाँ, आइस इसलिए ताकि मिक्सिंग प्रोसेस में डो का टेम्परेचर ज्यादा हॉट ना हो और डो रहे कूल। इन इंग्रेडिएंट्स को इसी बोल में ये मिक्सर 3 से 4 मिनट तक नीड करके डो बनाता है, कुछ कुछ वैसे ही जैसे घरों में माँ आटा गूंथती है। लीजिए, डो हो गया तैयार और इसे भेजते हैं डिवाइडर हॉपर में। यहाँ से डो रिक्वायर्ड वेट और इक्वल लेंथ में काट के निकालते हैं और एक कन्वेयर की मदद से आगे बढ़ते हैं। कन्वेयर पर ऑयल फ्लो भी होता रहता है ताकि डो के ये पीसेस बेल्ट पे चिपके नहीं। आगे डो के छोटे पीसेस अलग अलग जगहों से गुजरते हैं, कभी रोलर से रोल होकर, कभी छोटी सी जगह से खुद को एडजस्ट करके, और फाइनली एक शेप लेकर पहुंचते हैं वर्कर्स के पास। एंड में वर्कर हाथों से डो को रिक्वायर्ड शेप के हिसाब से ट्विस्ट या ट्वर्ल करके बेकिंग मोल्ड में रखते हैं। ट्विस्टिंग करी जाती है ताकि एक तो ब्रेड को सही टेक्सचर मिले और दूसरा ताकि ब्रेड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बड़े बड़े छेद न रह जाएं। अब डो से भरे ये मोल्ड्स एक दूसरी कन्वेयर बेल्ट में आगे बढ़ जाते हैं और सीधे प्रूफर में जाते हैं। यही इसकी फर्मेंटेशन होगी और डो फूल जाएगा। प्रूफर के 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये मोल्ड 1 घंटे के लिए रखे जाते हैं। अब बारी है बेकिंग की। डो से भरे मोल्ड्स अवन में रखे जाते हैं, जहां इसे 240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 मिनट तक बेक किया जाएगा। डो बेक होकर गोल्डन ब्राउन कलर के ब्रेड लोव्स बन गए हैं। वाह, फ्रेशली मेड ब्रेड की खुशबू, क्या बात है।
अब ब्रेड लोफ को मोल्ड से निकालकर ट्रॉलीज में सेट करते हैं और कूलिंग सेक्शन में भेजते हैं, जहां ब्रेड लोफ्स को 4 घंटों के लिए रखा जाएगा। कूलिंग के बाद ये स्लाइसर ब्रेड लोव्स को करीब 1/2 इंच के स्लाइसेस में काटता है। इसके ठीक बाद क्वालिटी चेक होता है, जिसमें ब्रेड की शेप और साइज चेक करते हैं और इम्प्रॉपर ब्रेड स्लाइसेस रिजेक्ट कर दी जाती हैं। यहां पे स्लाइस्ड लोव्स की पैकिंग और लेबलिंग होती है। इस फैक्ट्री में हर दिन 60,000 पैकेट ब्रेड्स बनते हैं। यूं समझिए, अगर उन ब्रेड्स को स्टैक करके रखा जाए तो भाई माउंट एवरेस्ट से अंदाजन डबल की हाइट की ब्रेड की चोटी तैयार हो जाएगी। ब्रेड हो गई आपके घरों में पहुंचने के लिए तैयार। छोटी से लेकर बड़ी हर भूख का जुगाड़ है ब्रेड। एंड आई एम श्योर ब्रेड बनाने के इस प्रोसेस को देखने के बाद किसी भी फॉर्म में सही आपका भी ब्रेड खाने का मन जरूर कर रहा होगा।